हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मेरा साथी में। आज जो हमारे एक नए कॉलर हैं, एक्चुअली इनके टिकटॉक पर ऑलमोस्ट 1 मिलियन के बिल्कुल क्लोज है। ये ऑलमोस्ट 1 मिलियन अभी इनके फॉलोअर्स हैं और ये फिटनेस ट्रेनिंग इस प्रकार की एजुकेशन देते हैं टिकटॉक पर, यूट्यूब पर भी। तो आइए इनसे बात करते हैं कि ये वीडियोस तो डाल रहे हैं पर ये बोल रहे हैं कि कुछ और भी इनके साथ में इश्यूज है। भाई, इतने सारे फॉलोअर्स होने के बाद में भी इशू आ सकता है क्या? क्या इशू है तो जानते हैं। चलो कॉल मिलाते हैं इनको, बने रहिए। हेलो, हाय, प्रतीक रॉय, अरविंद दिस साइड फ्रॉम अरविंद मेरा साथी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? जय हिंद। पहले तो आप जय हिंद, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, एक नंबर फिट हूँ। ओके, एब्सोल्युटली गुड यार। देखिए, अभी हमारा आपसे चैट चल रहा था, आई थिंक इन मॉर्निंग में, ऑन इंस्टाग्राम पर, कि आपको कुछ इश्यूज था। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू डिस्क्लेमर कि जो भी हम लोग बात करते हैं वो आल्सो आई कंफर्म्ड ऑन दी इंस्टाग्राम की भी, जो भी हमारे डिस्कशन होता है दैट विल बी रिकॉर्डेड और वो सभी के साथ में शेयर किया जाता है ऑल अरविंद मेरा साथी प्लेटफॉर्म पर, ताकि आपकी वजह से लाखों लोगों को इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिल पाता है। आई होप यू डोंट हैव एनी माइंड फॉर दैट। नो प्रॉब्लम। बताइए क्या है आपका इशू? सर, मेरा इश्यू ये चल रहा है कि मैं सोशल मीडिया पर, मैंने काम स्टार्ट किया था समथिंग 3 या 4 महीने पहले से। ओके, तो मैं जो वीडियोस बनाता हूँ मोटिवेशनल, मैं खुद ही एक मोटिवेटर हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा है कि मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया का काम छोड़ करके अपनी लाइफ पे ध्यान दो करके ऐसा कुछ बोल रहे हैं। लेकिन मुझे जो लगा है, मैंने अभी आपको मेरे बारे में बता दूं कि मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ एथलेटिक्स का, एंड स्टेट में मेरा 5 बार चैंपियन रह चुका हूँ और नेशनल से 2 बार गोल्ड लाया है। अरे, वेरी गुड। उसके बाद मैं एक एनसीसीएन हूँ, एनसीसी में सीनियर अंडर ऑफिसर रह चुका हूँ, एंड उसके बाद आर्मी की 3 बार भर्तियां निकाल चुका हूँ, एंड अभी मेरी जो प्रिपेयरिंग चल रही है आर्मी ऑफिसर के लिए चल रही है। तो घर वालों का कहना ये है कि अभी थोड़ा सा सोशल मीडिया को टोटल बंद करके तुम अपने उस पर ध्यान दो तो बेटर रहेगा, लेकिन मेरे फैंस लोग जो है वो मतलब ये बोल रहे हैं कि आप रेगुलर रहिए, वीडियोस बनाना बंद मत कीजिए। मैंने 2-3 दिन बंद करके देखा तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, कॉल, मतलब सोशल मीडिया हर जगह, ना यूट्यूब पे, टिकटॉक, मतलब हर एक सोशल मीडिया पे, तो इस जगह चक्कर में ऐसा कुछ बोल रहा है तो प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरा माइंड थोड़ा सा अफेक्ट चल रहा है चक्कर में। प्रतीक, मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूँ कि प्रतीक के ऑलमोस्ट 1 मिलियन के क्लोज है इनका जो भी टिकटॉक पे, और इनका ऑफिशियल जो चैनल है प्रतीक रॉय के नाम से, वहाँ पर इनका ऑलमोस्ट 1 मिलियन के काफ़ी क्लोज है ये, जो वहाँ पे रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं मोटिवेशनल और ट्रेनिंग के हिसाब से देते हैं, जो भी एथलीट्स की जो तैयारी करते हैं, आई थिंक आप उनको ट्रेन करते हैं, राइट? ओके, तो यार इतना बढ़िया आप काम कर रहे हैं, ऑलरेडी काफ़ी आपने अचीवमेंट्स किया है, फिर प्रॉब्लम क्या है? सर, प्रॉब्लम घर वालों का थोड़ा सा, मतलब वो लोग घर वाले थोड़ा ओल्ड जनरेशन टाइप के, मतलब उनका थोड़ा सा थिंकिंग उस टाइप का, तो मैं घर वालों को कैसे कन्विंस करूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे मेन चीज तो बात ये है कि ये फैमिली मेरी भी है, आपकी भी है, सभी लोगों की फैमिली होती है। अच्छा, होता क्या है कि कोई बाहर से कुछ समझाता है तो चलो ठीक है, उसको इग्नोर कर ले। अब जहाँ पे पूरे दिन हम रहते हैं, जिसके साथ में खाते हैं, पीते हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ है, फैमिली है, तो उनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता ना, कि उनके अगेंस्ट जाके भी हम कोई चीज़ें नहीं कर सकते कि कल को फिर वो बोलेंगे कि नहीं आप मेरी सुनते नहीं हैं, कि अपने अपने हिसाब से करते हैं ना। तो आपने सोशल मीडिया पे आए हुए कितना समय हुआ है आपको अभी? कितना टाइम हो गया ये बोल रहा हूँ। यस सर, मुझे अभी 3 से 4 महीने का टाइम हुआ बस। अच्छा, 3 से 4 महीने के अंदर आपने तकरीबन काफी अच्छी ऑडियंस गैदर्ड अपने लिए कर लिया। हाँ सर, हर जगह हर एक प्लेटफॉर्म पे। और सिंपली आपका यहाँ पे आने का रीजन क्या है सोशल मीडिया पे? मेरा रीजन ये था कि मैं जो मेरे पास नॉलेज है मैं सबको दे सकूं। पहले ये कि मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को ट्रेनिंग देता था, फिर फ्रेंड्स लोगों ने मुझसे बोला कि भाई आप ये, आपके पास बहुत सारी नॉलेजेस है, आपके पास टैलेंट बहुत सारा है, तो आप सब में बांटोगे तो बहुत सारे लोगों का भला हो जाए, क्योंकि गाँव के ऐसे बंदे होते हैं जो मतलब कोचिंग नहीं लगा पाते, अकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ऐसे पैसे, कितने सारे पैसे होते नहीं है। और तो अगर मैं सोशल मीडिया पे आया तो बहुत सारे बंदों की हेल्प कर सकूं, मैं कर भी रहा हूं। मैंने ये 3 महीने के अंदर अंदर समथिंग मैंने 1.5 से 2 हजार बंदों को सिलेक्शन करवा रहे हैं, वो लोग फोटो सेंड करते हैं मुझे, सर आपके वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी लाइफ सेट हो गई है, मैं आपसे मिलकर जरूर आऊंगा, और घर पर भी आकर मिलकर गए हैं, लेकिन घर वालों को कैसे समझाऊं समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, फैमिली वाले क्या चाहते हैं? फैमिली वाले ये चाहते हैं कि मैं टोटल बंद कर दूं सोशल मीडिया का काम टोटली, और उसके बाद
बस अपने फ्यूचर का ध्यान दूँ। मतलब फैमिली वाले चाहते हैं कि भाई आपकी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए और 50-60 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह आपको मिलती रहे, 1 तारीख को अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, आपकी भी लाइफ सेट हो। आपकी लाइफ में मतलब कुल मिला के डिफ़िकल्टीज़ नहीं आनी चाहिए, ना तो चैलेंज आए लाइफ में ना डिफ़िकल्टी है। एक बार चैलेंज आ जाए, एक बार डिफ़िकल्टी आ जाए कि बस कैसे ना कैसे आप उस चेयर पर पहुँच जाए जहाँ पर आपकी लाइफ जाके सेटल हो जाए, उसके बाद में आप भी खुश और आपकी फैमिली भी खुश, है ना, यही चाहते हैं। एग्जैक्टली वो लोग यही चाह रहे हैं कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करूं और मतलब वही उसके अंदर ही सीमित रह जाऊं, बस वो ये चाहते हैं। लेकिन मैं कैसे समझाऊं, समझ लिया। देखो एक्चुअली यहाँ पर मैं ना फैमिली के एंड से मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि फैमिली ने जो भी एक्सपीरियंस फेस किया है ना अपनी लाइफ में, अभी क्या है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसी भी उनकी मेंटालिटी है, चाहे वो किसी गाँव से बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी करते हैं, कुछ भी कैसी मेंटालिटी की है कि जो उन्होंने एक्चुअली फेस किया है, भाई जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो आपसे वो वही शेयर करते हैं कि नहीं यार आपके अंदर टैलेंट ये है, आप जो है अपने आप को सिक्योर कर लो, सिक्योर कर लो, सिक्योर कर लो। पर एक्चुअली क्या है कि देखिए आपको अपनी फैमिली की भी सुननी चाहिए इस लेवल पे जाके कि देखिए आपको उस फैमिली को कन्विंस क्या करना चाहिए कि यार जो मैं करना चाहता हूँ, है ना, आप उनको ये समझाएं कि जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि फैमिली का भी इंटेंशन यही होता है कि आपको खुश देखना, ना कि आपकी खुशी किस में है। और सबसे मेन चीज़ अनसर्टिनिटी तो हर जगह है ना, सर्टेन तो कुछ भी नहीं है ना, मान लो आप भी सर्टेन नहीं है, मैं भी सर्टेन नहीं हूँ, कल क्या होगा ये नहीं पता ना, तो गवर्नमेंट जॉब भी कोई सिक्योर नहीं है। आप उसको ये नहीं मान सकते गवर्नमेंट जॉब भी सिक्योर है। जो लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब एक्चुअली सिक्योर है, वो सिक्योर कैसे, भाई जब आप सिक्योर नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब कहाँ से सिक्योर होगी। जब एक इंसान खुद सिक्योर नहीं है कि कल क्या होगा या परसों क्या होगा, तो गवर्नमेंट जॉब या कोई भी सैलरी या ये सब ये कैसे सिक्योर हो सकता है। और एक्चुअली आप अपनी फैमिली को ये भी समझा सकते हैं कि जो वो सोच रहे हैं उनकी सोचना बिल्कुल गलत नहीं है, जो उन्होंने फेस किया है, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया है, वो लोगों को देखते हैं या उनके पेरेंट्स ने भी उनको वो कभी कुछ समझाया होगा कि नहीं आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो उनका डरना लाजमी है। ऐसा नहीं कि नहीं वो आपको खुल भी कुछ भी बोल दे कि नहीं यार प्रतीक आप कुछ भी करो, जाके जो आपको करना है आप करो। उनकी समझाने की ड्यूटी ये है कि नहीं, वो आपको देखना चाहते हैं कंफर्टेबल में रहना कि नहीं यार बस एक बार जो एक बार चैलेंजिंग जो लेना लेना है, उसके बाद में चैलेंज नहीं लेना, बस लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलती रहे। पर एक बात अपनी फैमिली को ये भी आप समझा देना कि अगर फैमिली ये देख रही है ना कि एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब होने के बाद में लाइफ आपकी सेटल है, तो लाइफ वो सेटल नहीं है, लाइफ एक्चुअली सेटल नहीं है, लाइफ तो कभी सेटल हो ही नहीं सकती, है ना। वहाँ पे भी अपने अपने टारगेट होंगे, वहाँ पर भी आपको काम करना होगा, वहाँ पर भी एक्चुअली मैं इसमें कभी भी मैं अपनी इंडियन आर्मी को हमेशा सल्यूट करता हूँ, मैं ये नहीं बोलता, बट एक्चुअली आप बहुत अच्छा करोगे वहाँ पे भी जाके कि अपने शरीर को आप बिल्कुल भारत माता के लिए दे रहे हो कि नहीं भाई कुछ भी हो सकता है आपके साथ में जाके। तो अनसर्टेनिटी तो वहाँ भी है और यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी अच्छा है कि आप अपनी फैमिली को अगर कन्विंस कर सकते हैं कि यदि मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मैं 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपये तक कमा सकता हूँ, पर यहाँ पर क्योंकि मैं अपने इंटरेस्ट पे, जब अभी क्या है कि जब आप अपनी फैमिली के इंटरेस्ट पे काम करेंगे तो उनको सेटिस्फाइड करने के लिए काम आप कर रहे होंगे, है ना, आप उनको तो सेटिस्फाइड कर लोगे पर अपने आप को कभी सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। अपने मेरा एम ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन करा सकूं, मैं फ्यूचर मतलब अभी मुझे फीलिंग ये आती है सर कि अगर कोई बंदा मुझे फोन करता है कि सर मेरा आपकी वजह से सिलेक्शन हो गया एंड मेरे फ्यूचर सेट हो चुका है, तो सर उस टाइम की फीलिंग मैं बता नहीं सकता हूं, मतलब क्या खुशी होती है मुझे। नहीं बिल्कुल परफेक्ट, ये विजन यू विल नॉट बी बिलीव कि आपको कॉल करने से पहले मैं यही सोच रहा था कि ये आइडिया एक्चुअली आपका होना चाहिए, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो भी आपका इंटरेस्ट है, अभी क्या है देखिए कि आपने कोई चीज़ ट्राई की, आप पास हुए या फेल हुए बात की बात है, बट एक्चुअली जब आपने ट्राई किया है तो उसके बाद में आपके पास में अभी एक्सपीरियंस है, तो जो लाखों बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे जाने की, आप उनको मोटिवेट या उनको स्किल्स वहाँ की सिखा सकते हैं कि भाई जो पैरामीटर हैं, जो उनका क्राइटेरिया है काम करने का, वो तो वही रहेगा, उससे चीट नहीं करना, बस उसमें रहकर गेम में रहकर गेम जीतना, आप ये सिखाते हैं कि गेम में रहना भी है और गेम में जीतना भी है, तो वो जो नॉलेज है ना वो वही बंदा दे सकता है जिसने वहाँ पर एक्सपीरियंस लिया हो। और ऑलरेडी जब आपने एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो आप एक्चुअली जो 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए तक जो आप वहाँ पे देख रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं। पर एक्चुअली उसमें जो आपका इंटेंशन है क्लियर
कि नहीं मेरा एक्चुअली इंटेंशन अर्निंग का नहीं है, कि नहीं मुझे एक्चुअली बच्चों से पैसा चार्ज करना है, मुझे एक्चुअली पहुंचाना है। जब आप किसी को पहुंचा ही देना तो एक्चुअली पैसा वो आपकी उम्मीद से भी ज्यादा आपको दे देते हैं, है ना। और ये बात अगर हम फैमिली को समझाएं कि देखो फैमिली अभी क्या है कि आपकी फैमिली के पास मोबाइल फोन है ना, फोन सर वो लोग इतना यूज नहीं कर रहे, प्रॉब्लम यही तो कोई नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कोई सा फोन नहीं, एक छोटा सा कीपैड वाला छोटा सा फोन जो आता है, कीपैड वाला फोन है, है ना। आप उनको ये बोलो अपनी मम्मी पापा को कि अपना कीपैड वाला जो फोन है ना मुझे एक हफ्ते के लिए आप दे दो, है ना। आप उनको ये बोलो कि जो आपका जो कीपैड वाला फोन है मुझे एक हफ्ते के लिए दे दो, ये बंद रहेगा आपका फोन बिल्कुल। तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ अभी भी आपके पेरेंट्स ने फोन अपने जमाने में उस टाइम पे नहीं रहा होगा किसी के पास में भी, पर आज वो ये भी समझते हैं कि फोन रहना कितना इंपॉर्टेंट है। अभी आप उनको नॉर्मल, मैं ये नहीं बोल रहा कि सोशल मीडिया वाला फोन, एक नॉर्मल फोन भी आप उनसे, उनके पास में यदि है मम्मी या डैडी के पास में तो आप उनसे लेकर रख लो, वो बोलेंगे नहीं मेरा फोन दो भाई मैं बाहर जा रहा हूँ मैं किससे बात करूँगा। तो उनको ये इस तरह से आप समझा सकते हैं कि जब आपके लिए फोन छोटा सा इंपॉर्टेंट है ना तो ये भी एक माध्यम है, ये एक माध्यम है सोशल मीडिया लोगों से जुड़े रहने का। लोगों से जुड़े रहने का, अब जैसे फोन है, अब आप अपने पेरेंट्स को समझाओ कि पापा आपके पास फोन है, आप इस फोन से कोई गलत कॉल भी किसी के पास कर सकते हो, है ना। आप इसी फोन से अपने आप को सेफ भी रख सकते हो कि मैं बाहर मार्केट में हूँ तो मैं अपने बच्चों से इन्फॉर्मेशन मेरा हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, भला हूँ, जहाँ पर भी हूँ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बना रहा है, तो ये भी सभी के सभी प्लेटफॉर्म है लोगों से जुड़ने के लिए। मैं ये मानता हूँ कि जब आप उनके लेवल पे जाके देखो जो आपको समझ में आता है ना प्रतीक, वो उन्हें मत समझाओ, वो उनको समझ में नहीं आएगा, उनको वो समझ में आएगा जो एक्चुअली वो समझना चाहते हैं, है ना। और देखो इसके बाद में भी मैं आपको एक बात और भी बोलूंगा अपने एंड से कि ठीक है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे ये भी लिखा था कि आपकी एक आईडी फ्रीज हो गई थी। यस सर, फर्स्ट वाली फ्रीज हुई थी, लेकिन मैंने सेकंड बनाया तो वो 10 दिन के अंदर ही ग्रो कर गई, 2 लाख हो गए। वो ग्रो कर गई इसीलिए क्योंकि आपकी पहली आईडी पे आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट पॉजिटिव मिला होगा, तो इसलिए आपकी सेकेंड आईडी भी अच्छे से ग्रो कर गई, है ना। तो यहाँ पर भी कोई फिक्स तो नहीं है ना, अभी मान लो ऑलमोस्ट आपके 1 मिलियन के पास में फॉलोअर्स हैं, कल को नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है ना सोशल मीडिया, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके हाथ में तो नहीं है कि टिकटॉक पे कौन सी वीडियो चलेगी कौन सी नहीं चलेगी या कब आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है नहीं हो सकता है। कुछ अगर गलत आपको भी नहीं पता तब भी अगर हो जाता है तो वो भी दिक्कत कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको काम करना है, ठीक है, काम करते रहो, पर उस पर पूरी तरह से उम्मीद बना के मत रखो। आपके पेरेंट्स ना, मैं ये समझ रहा हूँ आपके पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा ना कभी ऐसा ना हो जाए ये पूरे दिन सोशल मीडिया में लगा रहे, क्योंकि हाँ उनको यही डर है। मैं समझ रहा हूँ उनके उनके नजरिए से, मैं ही समझ रहा हूँ एक्चुअली क्या है, आपकी मम्मी हैं डैडी हैं तो वो अपनी एज के ग्रुप में लोगों में बैठते होंगे, है ना। तो बातें वहाँ पे क्या होती हैं उन लोगों के बीच में, यही होती है, अरे भाई उसका लड़का देखा है वो पूरे दिन वीडियोज ही बनाता रहता है, अरे वो देखा, अरे वो देखा उसका लड़का, अरे भाई उसका लड़का तो वहाँ छत से कूद गया था, उसका लड़का तो ऐसे हो गया था, उसका लड़का तो ऐसा अफेयर हो गया था। ये तो वो जब नॉलेज सुनते हैं ना तो वो उनके माइंड में होती है यार कभी हमारे बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए, है ना। तो उनका सोचना गलत नहीं है, पर उनको बिलीव में लेना भी आपका काम है, आप उनको बिलीव में गलत काम के लिए नहीं ले रहे हैं। देखो पेरेंट्स को बिलीव में लेने के 2 तरीके चल रहे हैं आज के टाइम पर, और मैं बड़ी स्ट्रांगली मैं आपको बात बता रहा हूँ 2 तरीके बिलीव में लेने के। एक तो एक्चुअली बिलीव में लिया जाता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। दूसरा बिलीव जो है वो बड़ा खतरनाक है, वो क्या होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं, है ना, ब्लैकमेल करते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं तो ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं तो ऐसा करूँगा। तो उसमें बच्चे का भी गलत होता है, पेरेंट्स का भी गलत होता है। तो यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स को बिलीव में लेना है जिस तरह से वो समझ सकते हैं। सबके पेरेंट्स की मेंटेलिटी अलग अलग होती है, ऑलमोस्ट तो सबकी सेम ही होती है उनकी एज के हिसाब से, पर वो किस बात को कितनी आसानी से समझ सकते हैं,
है ना। हाँ सर, अब मैं आपसे बात करूंगा, मैं किसी और से बात करूंगा, परसों नर्सों किसी और से बात करूंगा, तो सबका मेंटल स्किल्स अलग अलग है ना, सबको अपने यस सर, अपने हिसाब से समझ में आ सकता है। तो हाँ यही सब हाँ चीज़ें तो आप अपने पेरेंट्स को समझो कि वो एक्चुअली किस बेसिस पे समझ सकते हैं, और प्रैक्टिकली उनके साथ में आप करके देखो, वो बिल्कुल ऑब्वियसली 100% आपके साथ एग्री होंगे। पर इसमें आप ये भी बात ध्यान रखो कि इसमें प्लान ए और प्लान बी दोनों आप बना के रखो, हाँ सर, है ना, बढ़िया, प्लान ए हाँ और सर, प्लान बी। प्लान ए में क्या होना चाहिए कि आपके फैमिली वाले ये बोलते हैं कि भाई मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो, तो आप उन्हें बताओगे कि नहीं मम्मी जी देखो मुझे 1 लाख, वो 10 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं। आप अगले 1 साल तक भी समझाओगे ना, 10 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपकी मम्मी नहीं समझ पाएगी, नहीं समझेंगी वो, ठीक है। अब आपका जो उनका नजरिया है ना, समझे, उनके हिसाब से उनको समझाना है, उनके हिसाब से समझाना है कि हम लोग कैसे जुड़े रह सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। और मम्मी ये प्लान मेरा ए तो ये है, और मम्मी प्लान मेरा बी ये है कि मान लो अगर ये नहीं, नहीं नहीं भी होता है तो ठीक है, वही करते हैं, जो फिर आप चाहते हो वो भी मैं कर लूँगा, है ना। आप उनको भी दिल मत तोड़ो, मम्मी मेरे को देखो, आप 1 साल देख के देखो, 1 साल, 1 साल के लिए बस, ठीक है। और एक्चुअली सोशल मीडिया जो भी, मैं भी काम करता हूँ सोशल मीडिया पे, आप भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, मेरा भी अपना एक बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, हाँ बट मैं आप इस पे टाइम ये रखें, क्योंकि देखिए इनसर्टेनिटी यहाँ पर पूरी तरह से रहती है, कल क्या होगा नहीं होगा नहीं पता रहता है। तो आपको सर, ये मान के चलें कि यार मुझे ना दिन के 2 घंटे मुझे देने हैं, ठीक है। ओके अगर सर, आप पूरा दिन इसमें लगोगे ना, तो एक टाइम पे ऐसा भी होता है कभी कभी आप खुद इस काम से बोर होने लगते हो, क्योंकि आपकी अगर हाँ पूरा दिन आप इसमें लगे रहोगे तो पूरा दिन सोचोगे नहीं यार मुझे वीडियोस बनानी है, वीडियोस बनानी है, वीडियोस बनानी, बड़ी अच्छी बनानी है, आज ऐसी वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल धमाकेदार। पर जब वो उस पर व्यूज उस प्रकार से नहीं आते हैं तो बुरा भी लगता है ना, नहीं आए हाँ व्यूज, सर, नहीं आए होता है, कॉमेंट्स, नहीं आए फॉलो, नहीं बढ़ रहे। तो आप जो सोशल मीडिया की जो क्रिएटर्स है ना, हम सोशल मीडिया को चलाएं, ना कि सोशल मीडिया हमें चलाए, यस है ना। सोशल मीडिया को हमें चलाना, ये हमें नहीं चलाएगा। अब हम क्या, अभी क्या 2 घंटे हमें 1 घंटे इसमें देना है, ठीक है, दे दिया परफेक्टली, पूरा 100% हमने दे दिया, छोड़ दिया। फिर अब अगले 24 घंटे बाद में बात करेंगे इस बारे में, फिर अगले 48 घंटे बाद बात करेंगे, ये नहीं कि पूरा दिन उसमें लगना है। आपको बस दोनों तरफ, मतलब कि हाँ भी पहले ये करना है फिर ये करना है, उस हिसाब से करते रहेंगे तो 100% आप भी खुश रहेंगे और आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, ठीक है। और बताइए। बस सर, आप बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, समझ गया कि आप जितना टाइम नहीं देना है, घर वाले जो बोल रहे हैं वो भी साथ में करते जाना है। हाँ देखो, फैमिली के अगेंस्ट में जाके आप कोई काम नहीं कर सकते, है ना। उनको देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एकदम से तो वो भी नहीं समझेंगे, इट विल टेक सम टाइम, है ना, टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, पर वो हाँ सर, जब तक उनके हिसाब से समझेंगे। अब आप उनको बोलोगे कि आपके मम्मी के पास में एटीएम है, पापा एटीएम यूज़ करते हैं, हाँ सर, करते हो, करते हैं ना, आप उनको बोलो कि पापा कल से आप एटीएम यूज नहीं करोगे 1 महीने के लिए ना, अब वो नहीं करेंगे तो अबे नहीं भाई मैं पैसे कैसे, नहीं, ये भी तो नई टेक्नोलॉजी आई है ना। तो हर चीज का माइनस और प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें आपको देखनी है, पॉजिटिव चीजें लेनी है, नेगेटिव को छोड़ना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। उम्मीद नहीं बना के रखनी है, उम्मीद ये भी बना के नहीं रखनी है कि आर्मी में आप सिलेक्शन होगा ही होगा, उम्मीद ये भी बना के नहीं रखनी है कि यहाँ पर आप फेमस होंगे ही होंगे, वो अच्छी बात है, लोग आपको फॉलो करते हैं, नहीं भी करते हैं या करें वो उनकी चॉइस है, आपका काम है अपने लेवल का जो भी आपका पैसन है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसके बिहाफ पे बस वीडियोस बनाते जाना, बस काम करते जाना, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। पर ये ओके बात मैं आपको पक्का बता दूं, यदि आपका फोकस होगा ना अपने आप को सर, बेटर करने में, अपने काम को बेटर करने में, तो काम बेटर होगा। 1 मिलियन फॉलोअर कुछ भी नहीं होते हैं, आने वाले कुछ समय में अगर काम पे ही आपका ध्यान रहेगा तो एक्चुअली आपके इससे भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स गेन होंगे और पब्लिक विल फॉलो यू टू मच। हाँ सर, यही बोलना चाह रहा था। मैंने 3 महीने में सर, मतलब ये इतना बड़ा खड़ा कर दिया बिल्कुल, टिकटॉक पे, बहुत टिकटॉक पे बहुत ही नहीं, ग्रेट। हाँ सर, टिकटॉक पे ही नहीं सर, टिकटॉक से देख देख के मुझे लोग, मतलब हर एक प्लेटफॉर्म पे हायर कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं हर जगह के आने के लिए। बट यहाँ पर स्टिल पैसे पर आपका ध्यान नहीं जाना, जिस दिन आपका पैसे पे ध्यान अभी भी चला गया ना, तो सर यहाँ पर ये जो ग्रोथ है ना, ये बहुत तेजी से नीचे गिरेगी, और
पैसा ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना भी गलत है, पैसा कमाना जरूरी है, ये सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। पर जब आप मदद करने के निकलते हैं ना, तो पैसा ऑटोमेटिकली आपकी जेब में आता रहता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है प्रतीक। हाँ चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, एंड फैमिली को कन्विंस करो उनके हिसाब से, जैसा वो सुटेबल समझे, जैसा सर, उनको थैंक यू अच्छा सर, लगे, है ना, जैसा उनको थैंक यू अच्छा सर, लगे उनके लिए करो, अपने लिए करो। अल्टीमेटली ध्यान रखना, गलत से गलत होगा, अच्छे से अच्छा होगा, फैमिली विल सपोर्ट यू, क्योंकि वो आपके थैंक यू भले सर, के लिए अच्छा कह रहे लगा हैं, सर, ठीक अच्छा है। लगा सर आपसे बात करके। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।